हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो ये मेरे मायके का लास्ट व्लॉग है और आज के दिन मेरी विदाई हो जाएगी मायके से। अब पता नहीं कितने सालों बाद मैं आऊँगी। तो मेरी टिकट बनी हुई थी 18 दिसंबर की और मैं 19 दिसंबर को अपने घर पहुँची हूँ। तो मॉर्निंग में मैं 3 बजे उठी हूँ और पापा जो है ना 2:30 बजे से उठे हुए हैं। अभी तक दोनों सोया हुआ है, उठा रही हूँ। 3:30 बज गए, 4:15 हो गए। यशवीर बिट्टू उठो, चलो रेडी हो। सब्जी पापा उठकर बना दिए थे, अब मैं फटाफट पूरी तल लेती हूँ। तो पापा ने उठ के सब्जी काट के सब्जी छौंक भी दी थी और फिर मैं उठी तो सबसे पहले नहाने गई। नहा के आटा गूंथ के मैं पूड़ियाँ तलने लग गई। मम्मी नहीं उठी क्योंकि मम्मी की तबीयत पिछले 1 साल से बहुत ख़राब रहती है और बीमार तो मम्मी हमेशा ही रही हैं, लेकिन इधर 1 साल से ना बहुत तबीयत इनकी ख़राब रहती है। तो पापा ही उठ के सब कुछ संभालते हैं मॉर्निंग में और फिर बाद में मम्मी उठती हैं तो धीरे धीरे अपना काम करती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी तरह मेरे पापा मम्मी दोनों रह रहे हैं अकेले। सब कुछ होते हुए भी माँ बाप को अकेले रहना पड़ता है। बहुत सारे रीज़न हैं, अच्छे भी बुरे भी। कोई रीज़न बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती, लेकिन आप देख सकते हैं सब कुछ होते हुए मेरे मम्मी पापा अकेले हैं। पापा ने सूखी सब्जी बनाई थी आलू गोभी और मटर की। पापा के लिए मैंने अलग से रोटी बनाई और अपने लिए पूरी, क्योंकि पापा ने मना कर दिया था। बोले थे कि पूरी मेरे लिए मत बनाना। पहले तो प्लान था कि अकेले ही जाना है और टिकट अकेले की ही मेरी बनी हुई थी, दोनों बच्चों के साथ मेरी अकेले की। जैसे मैं आई थी ना वैसे ही जाना था, लेकिन बाद में पापा कहते नहीं मैं जाऊंगा साथ में छोड़ने के लिए। तो जब हम लोगों की टिकट बन गई थी तो उसके बाद पापा ने बनवाई थी और टिकट पापा की मिल गई। सो पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं। देख तू इसका अलग ही किस्सा रहता है। तो लगा अच्छा लगा दे रहे हैं। ब्रश वहाँ पे रख लेना, ठीक है? किस पे? बैग पे। और मुंह धो लेना अच्छे से पानी से। कितने बार धोगी? कम से कम 10 बार। कम से कम सब 2 बार ही। अब जाना है अंदर, पता हो जाए जा जल्दी करो। बेटा लगेज रखने उतारने में भी टाइम लगता है, समझे ना? 4:30 बजे बुला लेना चाहिए तो पापा। अगर 15 मिनट पहुंचा है। एक बारी ट्रेन मिस हो गई थी आपको याद है? दिल्ली जा रहे थे तो गरीब था, सब गरीब नहीं थे। किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया, मतलब सारा काम क्या, जो लेकर जाना था वो मैंने पैकिंग वगैरह कर ली। अब एक एक करके सारे लगेज बाहर करूँगी। और कहीं जाओ ना तो लास्ट तक पैकिंग चलती रहती है, जैसे कि अभी भी मेरी पैकिंग चल ही रही है। जैसे बच्चों ने ब्रश वगैरह किया वो सब रखना था, और जो कपड़े चेंज किए वो सब भी रखना है, चार्जर रखना है, और फिर जो हम ले जा रहे हैं खाना ट्रेन में खाने के लिए वो भी रखना था। तो इस तरह से लास्ट तक तो पैकिंग चलती ही रहती है। तो एक बैग ना मैंने हल्का सा खाली ही रखा था ताकि जो रह गए हैं वो मैं रख सकूँ। और काफ़ी ज़्यादा लगेज हो गए थे मेरे, और ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो पापा मेरे साथ आए, क्योंकि ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि लगेज को इधर से उधर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोगों की बोगी थी G12, लेकिन हमें ना G9 में ही चढ़ना पड़ गया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। लग रहा था कि लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन ये था कि बर्थ कंफर्म था तो बर्थ वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन लगेज को ले जाने में उसको सेट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई। और पापा थे तो चीज़ें आसानी हो गई, नहीं तो मैं ना सोच रही थी ट्रेन में जाने के बाद ना कि अगर पापा नहीं होते तो कितना मुश्किल होता ना। इस करके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना शुक्र करना चाहिए भगवान को कि जो हुआ अच्छा ही हुआ।
तो मैं बस निकलने वाली 10-15 मिनट में, और मेरी दोनों प्यारी भतीजियां, एक परी और एक डॉली, सो रही है देखो, मम्मी छोड़ो, दोनों मेरा बच्चा सो रहा है। ए मेरा बेटा उठ, अब मैं जा रही हूँ ना, उठ जा डॉली, उठ जा, देखो मम्मी अब 5 बजे आएगी। हाँ बेटा, हम लोगों को खुद बोल लग रहा है, आ जाएगा, पापा बोल रखे हैं। लेट हो गए हम तो। हेलो गाइस बोल दो। बाय कर रही है, हेलो बोल रही है। बाय होता है ऐसे। तो पापा मेरे साथ जाएंगे मुझे छोड़ने, और मम्मी अकेली रह जाएगी। मम्मी देखो, इसलिए मैंने वीडियो बना रही थी, रोने लग जाते हैं तुरंत में, अकेली रह लेंगी, रह जाएंगी, इसलिए रो रही है। मम्मी मत रो, रात भर सोई नहीं है, मैं भी जगी हुई हूँ, मम्मी भी जगी हुई है। एक तो इतने इतने साल पे आती हूँ, और जाने वक्त खूब रोना हो जाता है। क्या हुआ, रो किस लिए रहे हो? तुम बेटी नहीं हो ना, इसलिए तुमको नहीं पता है ना परी डॉली। खुशी खुशी बिता करो, ठीक है। तो बस यही तक है ये सफर। और पता है, मैं वीडियो एडिट करते करते मुझे रोना आ गया, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ ना मम्मी पापा के बारे में, तो रोना आता है। सोचते हैं कि सब कुछ है मेरे मम्मी पापा के पास, ईश्वर ने मेरे मम्मी पापा को बहुत दिया, आप देखकर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा अकेले हैं। एक सास ससुर होता है कि सही नहीं होते हैं, फिर भी बेटा बहू साथ में रहते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो सही होते हुए भी कोई साथ में नहीं रहता है। रीज़न बहुत हो सकते हैं, अच्छे और ख़राब दोनों, लेकिन मेन तो यहाँ पर है ना कि बुज़ुर्ग लोग अगर अकेले हों और ख़ुद से बनाना खाना पड़े, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं पुरानी वापस से, और उसको लट्टू लट्टू चमचम से बनने का बहुत डाम लाए, और मैं यहाँ पर अबू भी तबू साथ ही आए थे हम लेके। तो हम बरौनी स्टेशन उतरे थे, हमारा स्टॉपेज बरौनी ही है, और यहाँ से मेरे जो घर का डिस्टेंस है वो आधे घंटे का है। और इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी ससुराल का व्लॉग, और जाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि घर का क्या हाल है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।